अपनापन सीरियल में अब आपको दिखाया जाएगा। पल्लवी निखिल से कहेगी, तुम घर इसलिए खरीदना चाहते थे ताकि तुम दुनिया को दिखा सको कि तुम बेहतर पेरेंट हो बच्चों के। पहले रेस्टोरेंट खरीदा, फिर घर बच्चों तक पहुंचने के लिए, है ना। इसके बाद आप देखोगे निखिल कह देगा, देखो पल्लवी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ना ही एक बेहतर पेरेंट ना ही कोई और वजह है जिसकी वजह से मैंने घर खरीदा। फिर आप देखो कि निखिल मन में ही कहेगा, क्यों मुझे बार बार गलत समझती रहती हो पल्लवी। फिर जो पल्लवी है वो भी अपने मन में सोचने लगी कि निखिल बोल दो कि ये सब झगड़ा वगड़ा सब खत्म और अब बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप देखो कि निखिल पल्लवी से कहेगा, तुम मुझे गलत समझ रही हो पल्लवी, मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। फिर पल्लवी कहेगी, अच्छा तो मैं सही थी, आप बच्चों तक पहुँचने का रास्ता बना रहे थे, तुम्हारे हर कदम के पीछे यही मकसद था। फिर निखिल कहेगा, ऐसा कोई मकसद नहीं था पल्लवी, मुझे घर खरीदना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। फिर आप देखोगे पल्लवी भी कह देगी, कल को मुझे घर से बाहर निकाल दोगे और कहोगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और एक-एक करके मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दोगे और कहोगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। निखिल, तुम्हारे पास कोई चॉइस हो या ना हो, मेरे पास मेरे बच्चों के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखोगे पल्लवी की बातें सुन के निखिल भी कह देगा, वो मेरे भी बच्चे हैं पल्लवी। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा पल्लवी कहेगी, हाँ मैं जानती हूँ वो तुम्हारे बच्चे हैं, मैंने कब कहा कि मैं उन्हें तुमसे दूर कर दूंगी, मैंने बस ये कहा था कि अगर वो मेरे पास हैं तो वो तुम्हारे नहीं हो सकते। मैंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट जाके लड़ते हैं। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा पल्लवी अपनी इतनी बात कहते कि, और तभी जो निखिल है वो कहेगा, नहीं पल्लवी, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जब जब बच्चों से मिलने की कोशिश की, मैं उनके पास आया तो तुमने मुझे रोक दिया, टोक दिया। हम जिस सिचुएशन में है ना, बच्चे जिसके पास होंगे हार दूसरे की होगी। इसके बाद फिर पल्लवी भी कह देगी, और वो हार मेरी होगी, है ना। दुनिया भर में दिखाते फिरते हो कि तुम्हारी एक्स वाइफ कितनी कमज़ोर है निखिल, तुम्हारा केस वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, अब महान बनकर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश मत करो। फिर निखिल कहेगा, बस यही तुम्हारी प्रॉब्लम है पल्लवी, और हमेशा से तुम्हारी यही प्रॉब्लम रही है, हर बार मुझे गलत समझती हो। इसके बाद आप सभी देखेंगे निखिल की ऐसी बातें सुन के पल्लवी कह देगी, तो तुम सही समझा दो ना, मेरा घर रेस्टोरेंट सब ले लिया, अब बच्चों की कस्टडी चाहिए तुम्हें, और कह रहे हो कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ, कैसे, किस लॉजिक से, बताओ। इसके बाद आप देखो कि जो निखिल है उसे गुस्सा आ जाएगा और वो कहने लगेगा, अब तुम्हें सुनना पड़ेगा पल्लवी, सोनाली ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था, तुम एक गुस्सेल, घमंडी, एहसान फरामोश और सेल्फिश औरत हो, और अपनी इनसिक्योरिटी के वजह से तुम किसी को भी ब्लेम कर सकती हो, तुम्हारे लिए कोई अपनी जान भी दे देगा ना तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पल्लवी। इसके बाद आप देखोगे पल्लवी कहेगी, तुम्हें ऐसा लगता है निखिल। फिर निखिल कह देगा, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है पल्लवी। सो गाइस अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, अब देखते हैं क्या होता है इसके आगे और भी अपनापन सीरियल में।